तुम बोलो। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रगति सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सैदनपुर गांव में डीएफ का एक प्रोग्राम देख रही हूँ जिसका नाम है डिजिटल सार्थक। इस प्रोग्राम में हमने तीन ब्लॉक के 10 गांव सेलेक्ट किए हुए हैं। उस 10 गांव में 10 महिलाओं को सेलेक्ट किया है। वो 10 महिलाएं 100 महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं और पहले उन 10 महिलाओं को भी सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि घर में ये होता है कि महिलाओं को काम नहीं कराना है, पुरुषों को ही कराना है। फिर हम लोगों ने उन लोगों को थोड़ा बढ़ावा दिया है कि हम भी महिला हैं, आप भी काम करेंगी तो अच्छे से कर पाएंगी और बाहर निकलेंगी तो दूसरों को भी समझा पाएंगी। तो उन लोगों ने काम भी करना शुरू किया है और डीएफ ने उन लोगों को डिजिटल टूल्स भी दिए हुए हैं जिससे उन्होंने अपना सामान भी और आगे खरीदा हुआ है, अपनी शॉप और बढ़ाई है। कुछ लोग सीएससी सेंटर भी चला रहे हैं, कुछ छोटी दुकान ही चला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि डिजिटल सार्थक प्रोग्राम में हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जो 10 लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से किया जाता है, ऑनलाइन सर्विसेज कैसे सर्च किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, हम लोगों ने उनको फेक न्यूज के बारे में बताया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई भी न्यूज आ जाती है हम उसको सच मान लेते हैं। ये सारी चीजें वो लोग भी समझ गए हैं और जो अपनी 100 महिलाओं को और ट्रेनिंग दी हुई उन्होंने वो भी काफी उत्सुक रहते हैं। तो अब तो ऐसा हो गया है कि डिजिटल दीदी के नाम से वो 10 लोग जाने जाने लगी हैं। जो भी जानता है उनको कहता है डिजिटल दीदी आ रही है ट्रेनिंग देंगी। लैपटॉप दीदी और मतलब इस तरह के बहुत, इंटरनेट दीदी और इस तरह के बहुत सारे टर्म वहीं से निकल के आते हैं। तो वो 1000 पूरी बाराबंकी में 1000 महिलाएं हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है और एसएचजी महिलाएं भी हैं जिसमें कि 50 एसएचजी महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और वो फिर आगे 500 महिलाओं, हर ग्रुप में 10 लोग होते हैं, 10 किसी में 12, तो वो उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। तो पहले ये था कि उनको इतना नहीं समझ में आता था, फोन लिए हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बस इतना ही नॉलेज रहता था। लेकिन अब तो है, छोटा छोटा उद्योग जुड़ा हुआ है लोगों का, तो अपना ऑनलाइन भी देखने लगे हैं कि हम किस तरह से मटेरियल भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पे बुनाई वगैरह का काम बहुत ज्यादा होता है। जब कोई बाहर से आता है और उनके पास पैसे ऐसे नहीं रहते हैं, पैसे नहीं रहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है जाने दो, अब पैसे नहीं है हम तो कार्ड से पेमेंट करेंगे, फिर वहीं पे छोड़ देते थे। लेकिन जब से ये सब नॉलेज हो गया उन लोगों को, वो बोल देते हैं हाँ हम यूज करते हैं पेटीएम, यूज करते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं पेमेंट और आप यूज कर लीजिए, तो उनको बचत भी हो जाती है और जब भी कोई बाहर से आता है तो उस हिसाब से अपने दाम लगा के दे भी देते हैं अपना सामान, तो उनका काम भी आगे बढ़ रहा है, बहुत हेल्प होती है। और बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि आगे भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो काम करना चाहती हैं, तो थोड़ा हेल्प हो तो वो भी आगे काम कर सके। थैंक यू सो मच। जोहा माइक को नजदीक करके बोला है उन्होंने बोलने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थोड़ा और ऊपर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम जोहा जावेद है, मैं यूपी से हूँ, बाराबंकी से, और मैं ये डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन में 2017 से हूँ और बाराबंकी में मेरे अभी लगभग नियर अबाउट 40 to 45 सेंटर्स चल रहे हैं और उसमें से एक स्मार्टपुर सेंटर भी हैं जो हम लोग एजुकेशन, लाइवलीहुड, गवर्नेंस, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट, इतने पिलर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों के साथ औरतें जो सूचना प्रेन्योर हैं वो सब भी हैं और कम से कम 30 औरतें हम लोगों के साथ काम कर रही हैं। तो अभी जब लोग एक दूसरे से देखते हैं कि शुरू शुरू में ये हुआ कि हम लोग अपनी बच्चियों को सेंटर नहीं भेजेंगे और पढ़ाने से क्या होता है, क्योंकि हम लोगों के गाँव में वीविंग भी होती है, वीवर्स भी हैं, तो ये होता है कि वो अपना वीविंग करके ही कमा लेंगी और उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी उनकी शादी होनी है और आगे अगर अभी पढ़ाएंगे तो फिर वो उनके हस्बैंड मना कर देंगे पढ़ाने से, इससे अच्छा है कि हम अभी पढ़ाएं ना उसको। और तो इसलिए वो अपनी लड़कियों को और अपने वाइफ्स को नहीं भेजती थी सेंटर,
और जब हम लोगों ने काफी उन लोगों को बात बताई, उन लोगों ने हम लोगों को देखा कि ये है कि ये वाली दीदी स्कूटी से जाती हैं, हम लोगों ने काफी मोबिलाइजेशन किया, लोगों को बताया कि अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर यहीं के रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उन लोगों ने काफी, पहले तो काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, लोग अपनी बच्चियों को नहीं भेजते थे सेंटर, और अब धीरे धीरे इतने सालों में वो अपनी बच्चियों को सेंटर भेजने लगे हैं और वो डिजिटल लिटरेसी भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, और काफी लड़कियां हैं जो कंप्यूटर सीखती हैं और खुश होती हैं और बोलती हैं कि आपके जरिए, आपकी डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की तरफ को थैंक यू बोलती हैं कि आप लोगों ने इतनी हम लोगों को हिम्मत दी, इतना कन्विंस किया मेरे फादर को कि वो लोग ने अपने मुझे अपना सेंटर पे भेजा। और मुझे, मेरा काफी मन करता था कि मैं आप लोगों की तरह दूसरों को देखती थी तो मैं लैपटॉप चलाऊं, कंप्यूटर चलाऊं, अब वो लोग सेंटर आने लगी हैं। और जो जो औरतें हम लोगों के साथ काम कर रही हैं उनको एसेट्स प्रोवाइड कर रखा है और डिजिटल डिवाइसेस भी हैं जिससे वो लोग अपना खुद का सेंटर चलाती हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटआउट्स हैं, ये सब अपने ही सेंटर से ही काम करती हैं। तो जो दूसरी औरतें देखती हैं, जो लड़कियां नहीं जा पाती हैं दूर, जो दूसरे सेंटर दुकान नहीं जा पाती हैं जहाँ पे लड़के काम कर रहे होते हैं, काफ़ी शाय होती हैं वुमेन्स, तो ये होता है कि वो लोग वो दीदी के पास चली जाती हैं, सूचनाप्रेन्योर के पास चली जाती हैं कि मैं वो वाली दीदी के पास जाके काम करवा लूँगी, और वो वाली दीदी काम कर लेती हैं जो सूचनाप्रेन्योर हैं। तो वो लोग बहुत ही अब खुल के जाती है उन लोगों के पास, जो भी स्कीम्स है काम ले लेती हैं, अपना फोटोकॉपी है, काफ़ी दूर हम लोगों को जाना पड़ता है फोटोकॉपी करवाने के लिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो हम लोगों का अब, क्योंकि सेंटर अब खुल गए हैं, तो ये है कि वहीं जाके अपना दीदी के पास, सूचनाप्रेन्योर के पास जाके अपना काम करवा लेती हैं, और वो अब काफ़ी खुश है जो हम लोगों के सेंटर्स खुल गए हैं। ये होता है कि दीदी आ गई तो हम इन्हीं से काम करवा लेंगे। ये बाराबंकी में इन सैदनपुर वी हैड स्टार्टेड विद जस्ट वन सेंटर विद 10 सब सेंटर, नाउ दे हैव अबाउट 80-90 सेंटर, जिसमें से अबाउट क्लोज टू 50 सेंटर्स आर ऑल रन बाय वुमेन। सो और अब लखनऊ में भी सेंटर्स खुल रहे हैं हम लोगों के, लखनऊ में भी सेंटर खुल गए हैं। लखनऊ में भी खुल रहे हैं जी, मुझे बताया नहीं। फैजाबाद में भी खुल गया, फैजाबाद, लखनऊ, तो इसका मतलब है बहुत कुछ मुझे भी नहीं पता है। शोमा, थैंक यू, ये हमारी सबसे पुरानी शोल्डर है। टू एवरीवन, इट इज जोहर, व्हाई जोहर, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड, ओके, एंड इट इज अ थैंकलेस लव टू ओसामा सर। The way I'm standing on my own foot, it is just because of him. In the year 2008, I started my center, and that time my husband was on the coordinator. And then at that time, I didn't have the knowledge of computer. And then what happened? At that time, I was the facilitator of English. So I started, and when I started in Thakur Rao, there was no electricity. And in that way, we both started working. No electricity, no transport. And in this way, I got acquainted to the different government offices. So in Thakur Gaon, what I found, that it was completely a village type. And working there, it was too lovely for me. And we started with 10, approximate 6 to 10 students, and which I covered 250 when I left that place after 3 years. I was not in a mood to leave that place because we got acquainted to the panchayat office. One of our student, he succeeded taking the he was our student, he got the teachership with the tally subject, and then he became the BDO, and this was our successful chapter. And one of the students, he got the job in the block office. We went to the government office, and by the help of the block office,
somehow we got the chance, we gave, moved to get and hire one of the, I mean to say Indira Avash to one of the colleague type, okay. And then I moved to Ranchi. Obviously, my husband, he was caught with carcinoma. So I lost my husband, okay. And at that time, for 1 month, 2 months, I sat and I went in under depression. Straight away, I did not go right and left. I went to Delhi. And it was this Osama sir who helped me in standing on my own foot. I will never forget his helping towards me. And then Ranchi chapter is, it is an urban. Again, the hurdles came. I was shifted to one of the school. It was a Muslim school also. And there, obviously, the school is another body. And our Digital Empowerment Foundation is another body. So I have to fight a lot. And in this way, I finished up 11 to 12 years. At the same time, I must appreciate it that I have covered 15 years with the Digital Empowerment Foundation. Okay. And other thing is that the last of all these things, the school, it got converted to another Muslim school based on CBSE. And this is, I feel proud that we two are teachers among those, because as I spend the whole day, I'm supposed to teach any type of subject with my kids, learning and teaching. It went on throughout, it went on with me. I learn from the children, I teach the children. This is the thing. So the last of all, this is the school. It is based on the Islamic, absolutely a Muslim school, where I think if there are 25, 30 teachers and all the students are Muslim based on Islamic, only me and another teacher, we are Hindu. And so there should not be any diversion among Hindu and Muslim. And with this, I thank to everyone. And I hope, and at the same time, I always give my a great love for my teammates. Because the teammates, if they would not have helped me, it was impossible task for me to stand, to carry on in this way. And hope so for my better future. Thank you, sir. तो शोमा जो है इनका सेंटर एक स्कूल में स्टेशन्ड है सो देयर इज अ कैप्टिव 300 स्टूडेंट्स फॉर समथिंग हु आर ऑलवेज बेनिफिटिंग प्लस ऑफ कोर्स द कम्युनिटी तो ये सारे लोग हैं नाउ ललिता एंड यू नो शोमा अनदर शोमा यू पीपल कम आई वुड से अंशु एंड रुबीना आल्सो व्हाई डोंट यू